प्रतीक कहा। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस। बीजेपी से क्यों माफी है? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक 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 लफ्ज निकल चुके चूक से। इसलिए भाई कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है, अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुकी है, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। पहले कहा राष्ट्रपति, उसके साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए? चूक हो गए भाई। यार गोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं इनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मत मतलब इसको तवज्जो दिया करो। रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डिलीबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु असेंड्स टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री, अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो, शर्म करो। मैम विल यू आस्क, मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति।